हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की कंपनी अकाउंट, जिसमें मैं आपको इश्यू ऑफ डिबेंचर के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस बता रही हूं। अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 43 तक कर चुके हैं, आज उसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। यदि मेरे वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, थोड़ा बहुत वो भी पढ़ाई कर लेंगे, और सब्सक्राइब भी कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरे चैनल से पढ़ाई कर रहे हैं, और कोई भी डाउट हो तो वो भी मुझसे पूछ लेना, मैं आपके हर डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन के साथ। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 44? देखिए, सेम वैसा ही पैटर्न है जिसमें आपको इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, वो टॉपिक के सारे क्वेश्चंस में करा चुकी थी, बट कुछ क्वेश्चंस थे जो रह गए थे। कुछ नहीं, यही क्वेश्चन था जो रह गया था, जो मैंने बोला था आपसे कि नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी। तो इस क्वेश्चन को और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, सुजलॉन लिमिटेड इशूड ऑन 1st July 2022 20,007% डिबेंचर ऑफ 100 ईच फॉर सब्सक्रिप्शन एट 10% प्रीमियम, पेबल ₹40 ऑन एप्लीकेशन, ₹40 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। द डिबेंचर वर सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटेड, द कंपनी हैज नॉट मेड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2023, इंटरेस्ट वॉज पेबल इन 31st March ईच ईयर, पास नेसेसरी जनरल एंट्री ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड इंटरेस्ट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2023 एंड ट्रांसफर द इंटरेस्ट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखिए, इसमें क्या करना है, एप्लीकेशन का अमाउंट दिया है, 40 अलॉटमेंट का दिया है, और जो बचा हुआ है वो बोल रहा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे लेना है। लेकिन ये भी बोल रहे हैं कि फर्स्ट और फाइनल कॉल अभी तक मांगा ही नहीं गया है, तो उसे हमें छोड़ देना है। इंटरेस्ट साल में एक ही बार दिया जाएगा, 31st March हर साल को। तो बस हमें क्या करनी है, अलॉटमेंट की, एप्लीकेशन की, और PNL स्टेटमेंट ऑफ PNL अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री करनी है। तो चलिए मेरे साथ करते जाइए, सिंपल सी एंट्रीज हैं, इसमें भी कुछ ऐसी खास एंट्री नहीं है। चलिए, आप बोलेंगे मैडम आप हर बार यही बात बोलती हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। देखिए, जब हमने शेयर कैपिटल किया था ना, तब मैंने ये लाइन बिल्कुल नहीं बोली थी कि सिंपल सी ही एंट्री है, कुछ भी खास नहीं है, क्योंकि वो वाकई डिफ़िकल्ट था, आपके लिए बिल्कुल नया भी था। लेकिन उसको यदि करने के बाद आप डिबेंचर करने आए हैं तो ये आपके लिए इजी रहेगा। मैंने बहुत सारे टीचर्स को देखा है जो पहले डिबेंचर चैप्टर को करा देते हैं क्योंकि ये इजी रहता है, लेकिन मेरा ये कहना रहता है कि पहले शेयर कैपिटल के चैप्टर को करो, क्योंकि यदि आप पहले डिफ़िकल्ट चीज़ कर दोगे तो आपके लिए ईजी चीज़ करना ज़्यादा आसान रहेगा। तो चलिए, यहाँ पर कितना है, 20,000 है, एप्लीकेशन पर कितना मांग रहे हैं, 40, तो 20,000 का 40 तो कितना हो गया, 8 lakh। ठीक है, मैंने पूरा नहीं लिखा, 8 lakh लिख दिया बस। अब इसकी सेकंड एंट्री कर दो, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट है, 7% डिबेंचर अकाउंट। ये जो हम डिबेंचर इशू करते हैं ना, उसकी एंट्री है, ये भी 8 lakh हो गई। अब नेक्स्ट एंट्री किसकी है, अलॉटमेंट की है, जिसमें प्रीमियम इंक्लूड है। ठीक है ना, क्योंकि आप देखिए वो बोल रहे हैं कि 10% प्रीमियम पर इशू किए गए थे। ठीक है, रिडीम नहीं किए गए थे, इशू किए गए थे, इस वर्ड को ध्यान रखिएगा। तो यहां पर लिखेंगे डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर अकाउंट एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। आप देखिए कितना बोल रहे थे, कितना मांगा है इस पे, 20,000 इंटू 30, 20,000 इंटू 10, क्योंकि प्रीमियम इंक्लूड बताया है। ठीक है ना, 40 में क्या बोला है, अलॉटमेंट पे कितना मांगा है, 40 मांगा है, और जिसमें ₹10 प्रीमियम इंक्लूड है, 10%। ठीक है ना, 100 का 10% कितना हुआ, ₹10। तो ठीक है, तो यहां पर हमने 10 कर दिया। अब यहां पर आप लिखिए 8 lakh। क्लियर हुई ना ये बात, 8 lakh, फिर 6 lakh और 2 lakh। बस इसकी नेक्स्ट एंट्री कर देते हैं बैंक वाली। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट।
ठीक है, तो यहां पर कितना आ जाएगा 8 लाख। क्लियर। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, पास द जनरल एंट्री ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर, हमने इशू ऑफ डिबेंचर कर दिया। इंटरेस्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, मतलब जो इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं उसकी भी हमें एंट्री करनी है, तो चलिए उसकी एंट्री कर देते हैं। क्या होगी इंटरेस्ट की एंट्री, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, देखिए बच्चों इंटरेस्ट को ध्यान से समझिएगा, 20,000 है लेकिन जो डिबेंचर है वो 100 प्राइस था, लेकिन इशू सिर्फ अभी तक 70 किए गए हैं, देखिए 40 और ये 40, 40 में कितना इंक्लूड है, 10 प्रीमियम का इंक्लूड है, तो हम यहां पर ये कितना है ओरिजिनल 30, ठीक है ना, ये 30 है, मतलब कितना 40 + 30 70 रुपीज ही मांगे गए हैं। तो मुझे यहां पर क्या वर्किंग नोट करना है, मुझे पहले क्या करना है 20,000 का 70 में इंटू करना है, जब मैं इसका इंटू करूंगी तो मेरे पास आएगा 14 लाख, ठीक है। अब इस 14 लाख का मुझे क्या करना है, 7% 9 मंथ का निकालना है बच्चों, ठीक है, तो 14 लाख का करिए 7% कितने मंथ का, 9 मंथ का, तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा 73500, ठीक है, तो ये मेरा क्या होगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर होगा 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक का, ठीक है, 73500। अब इसको बैंक में ट्रांसफर करने की एंट्री कर लीजिए, चलिए डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है, तो अब बस यही अमाउंट यहां पर लिख देंगे, क्लियर हुई ना बात, और फिर इसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री करेंगे, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, और यही अमाउंट डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, कितना 73500, 73500। देखिए ये तो हम शुरू से पढ़ते हुए आए हैं कि जितना मांगा गया है उसी के हिसाब से हर चीज़ निकाली जाती है, यहाँ पर अभी फाइनल कॉल नहीं मांगा है, उन्होंने साफ कह दिया है कि हमने अभी फाइनल कॉल नहीं मांगा है, और यहाँ पर जो ये 40 है इसमें भी 10 रुपीज़ प्रीमियम के हैं, तो टोटल कितना मांगा गया है 70, जब हम इंटरेस्ट और डिबेंचर होगा तो वो हम 70 पर ही निकालेंगे ना, तो यहाँ पर आपको इस चीज़ को, इस तरह के दूसरे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो आपको इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दूसरे टॉपिक का है, कौन सा टॉपिक है वो, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, मतलब लॉस को और डिस्काउंट को राइटिंग ऑफ करना इशू ऑफ डिबेंचर में, कुछ भी नहीं है, जो हमारे पास पैसा रहता है जब हम कोई डिस्काउंट देते हैं, जो हमारे पास पैसा रहता है कैपिटल रिजर्व में, तो हम क्या करते हैं वो डिस्काउंट का पैसा कैपिटल रिजर्व में से निकाल देते हैं और उसकी एंट्री कर देते हैं, सिंपल सी है ये चीज़, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। पढ़िए क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, किट प्लाई लिमिटेड इशू 2 लाख 10% डिबेंचर एट द डिस्काउंट ऑफ 5%, द टर्म ऑफ इशू प्रोवाइड द रीपेमेंट एट द एंड ऑफ 4 ईयर, किट प्लाई लिमिटेड हैज़ बैलेंस 5 लाख इन सिक्योरिटी प्रीमियम, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिबेंचर एंड राइटिंग ऑफ द डिस्काउंट, ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना अभी बैलेंस है, ये बोल रहे हैं सिक्योरिटी प्रीमियम में अभी 5 लाख बैलेंस है, तो जब ये डिस्काउंट देंगे तो उस डिस्काउंट को राइटिंग ऑफ किससे करना है, इस प्रीमियम से, क्योंकि यदि आपके पास 5 लाख से कम का आपने डिस्काउंट दिया है तो आप उसे सिक्योरिटी प्रीमियम से राइटिंग ऑफ कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए जो इसकी जनरल एंट्री होगी आप मेरे साथ नोट करते जाइए, बैंक अकाउंट सबसे पहले तो सिंपल ही एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट एंड एप्लीकेशन अकाउंट, 2 लाख को 5% डिस्काउंट पर इशू किया गया है, तो पहले मैं क्या करूंगी, 2 लाख का 5% कितना हो गया 10,000 हो गया ना, और 2 लाख में से जब 10,000 माइनस करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 1,90,000,
बस इसी 1,90,000 को मुझे यहाँ पर लिखना है। इसी तरह से सेकंड एंट्री होगी, यहाँ पर इश्यू ऑफ डिबेंचर की एंट्री बोली गई है इसलिए हम ये इश्यू ऑफ डिबेंचर की भी एंट्री कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या है, क्या होती है इसकी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कितना डिबेंचर है, टू 10% डिबेंचर। ठीक है, अब देखिए डिबेंचर कितना था हमारा, 1,90,000 का था, तो यहां पर मुझे 1,90,000 लिखना रहेगा, यहां पर 10,000 लिखना रहेगा और यहां पर मुझे 2,00,000 लिखना रहेगा। यहां तक की तो चीज आपको आती है, हमने पहले भी इस तरीके की चीजें की हैं, तो वही चीज है यहां पर, आपने ये कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस डिस्काउंट को राइट ऑफ करने की एंट्री। तो क्या होती है डिस्काउंट को राइट ऑफ करने की एंट्री, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, कितना था यहां पर 10,000। देखिए ये एंट्री करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है ना, डिस्काउंट दिया कंपनी ने 10,000 का जब डिबेंचर इशू किए, अब उसके पास सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट था कितना, यहाँ पे बता रहे हैं 5,00,000, तो 5,00,000 में से उसने वो 10,000 का जो नुकसान हुआ उसको, उसकी भरपाई कर ली। बस वही चीज़ है यहाँ पर, बस ये एंट्री हो गई, समझ में आ गई ये बात। चलिए इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, मर्क्यूरी लिमिटेड इशू 10,09% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट द डिस्काउंट ऑफ 6% ऑन 1 अप्रैल 2022। दीज डिबेंचर आर टू बी रिडीम्ड इक्वली स्प्रेड ओवर 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट, इट हैड बैलेंस इन कैपिटल रिजर्व ऑफ 75,000। ठीक है, पास नेसेसरी जनरल एंट्री एंड इश्यू ऑफ डिबेंचर राइटिंग ऑफ द डिस्काउंट। देखिए या तो हम प्रीमियम में से भी अपना एडजस्ट कर सकते हैं डिस्काउंट को, और कैपिटल रिजर्व भी क्या है, कंपनी का प्रॉफिट है, हम कैपिटल रिजर्व में से भी डिस्काउंट जो हमने दिया है उससे जो हमें नुकसान हुआ है, ठीक है ना, कंपनी को नुकसान ही हुआ है ना, आपने डिस्काउंट दिया है तो हम कैपिटल रिजर्व से भी उसे राइटिंग ऑफ कर सकते हैं। अब जैसे पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया था, सिक्योरिटी प्रीमियम में 5,00,000 का बैलेंस है, इसमें क्या दिया है, कैपिटल रिजर्व में 75,000 है, तो आप भैया जो डिस्काउंट देंगे उसे कैपिटल रिजर्व में से राइटिंग ऑफ कर देंगे या कैपिटल रिजर्व में से ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी भी यही जनरल एंट्री होनी है। करिए मेरे साथ, बैंक अकाउंट डेबिट, पहले तो हम इश्यू ऑफ डिबेंचर की कर देंगे, टू डिबेंचर एप्लीकेशन या अलॉटमेंट अकाउंट, तो कितने 6% डिस्काउंट पे, तो चलिए इसका अपन रफ नोट, आप अच्छे से वर्किंग नोट बनाना, मैं तो यहां पर शॉर्ट में बता देती हूं। ठीक है, इसका 6% निकालो, ये 60,000 होगा और 10,00,000 में से जब मैं 60,000 माइनस करूँगी तो 9,40,000 आएगा और यहाँ पर मुझे 9,40,000 लिखना है। क्लियर हो गया। अब इसकी सेकंड एंट्री क्या होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट एंड टू कितना परसेंट है, 9% डिबेंचर। चलिए आप कितना डिस्काउंट दिया है, 60,000, यहाँ पर 9,40,000 और यहाँ पर 10,00,000, आप सारे जीरो लगा लेना। ठीक है, 10,00,000 हो गया। अब बस इसको क्या करना है, राइटिंग ऑफ करना है डिस्काउंट को। तो देखिए यहाँ पर आपको यदि राइटिंग ऑफ करना है तो आप क्या करेंगे, जब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व था तो हमने क्या किया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को डेबिट कर दिया था। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो बैलेंस था वो सिक्योरिटी प्रीमियम में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास बैलेंस कहाँ है, कैपिटल रिजर्व में है। तो यहाँ पर आपको किससे राइट ऑफ करना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट
टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर. कितना? 60,000. क्लियर? आज इतने ही क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. कोशिश करूंगी कि दो वीडियो अपलोड कर दूं. अभी कुछ बिजी चल रही हूं इसलिए कुछ कम ही क्वेश्चन करवा पा रही हूं, पर मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी ही जल्दी आपका ये चैप्टर एंड हो जाए. कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं. यदि मेरे कैमरे में किसी तरह की कोई इशू आ रहा है तो मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं डेफिनेटली उस पर काम करूंगी. थैंक यू.